प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथुराम गोडसे पर दिए गए विवादित बयान पर बड़ा बयान दिया. आपको बता दें प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर के माफी मांग लेने के बावजूद वो कभी भी मन से प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करेंगे. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि महात्मा गांधी या नाथुराम गोडसे के बारे में जो बयान आया वो बेहद खराब और इससे समाज के लिए गलत मैसेज जाता है, ये समाज के लिए गलत है. तो साध्वी की बातें घृणा के लायक, सभ्य समाज में ये सब नहीं चल सकता. प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान, मेरे सहयोगी रविंद्र का रुख करते हैं. रविंद्र, प्रधानमंत्री के इस बयान का आना लास्ट फेज के इलेक्शन से नाथुराम गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर ये बयानबाजी होना, क्या मैसेज है, क्या मीनिंग है? देखिए, मैसेज क्लियर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा कहते रहे हैं, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली हो या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हो, वो हमेशा कहते रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बीजेपी के हमारे आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे. और आपने देखा पिछले 5 साल में, चाहे स्वच्छता अभियान हो या फिर महात्मा गांधी के 150वीं जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए एक बृहद योजना का जो कार्यक्रम बनाया गया है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दिखाता है कि वो महात्मा गांधी के आदर्शों पर ही चलना है, उनके विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना. ऐसे में साध्वी प्रज्ञा जो हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है और एक खास परिस्थिति में उनको भोपाल से चुनाव लड़ाया गया है ये कहा जा सकता है, और उनका इस तरह से बयान गोडसे को महिमा मंडित करना और महात्मा गांधी की जो हत्यारे हैं उसको महिमा मंडित करना जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए सियासी तौर पर भी और उनके विचारधारा के लिए भी काफी नुकसानदेह था. इसीलिए आपने देखा कि पहले चाहे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का बयान आया हो या फिर बीजेपी के प्रवक्ताओं का और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मध्य प्रदेश में खरगोन में ये बात कही है, तो जाहिर तौर पर इस बयान से पार्टी पूरी तरह से अपने आप को अलग कर रही है. और जिसने भी बयान दिया, प्रधानमंत्री ने सख्त शब्दों में कहा, भले ही वो माफी मांग लियो लेकिन मन से वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे. तो जाहिर तौर पर साध्वी प्रज्ञा बीजेपी के अन्य जो उग्र राष्ट्रवाद की बात करते उनके लिए एक सख्त संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है. शुक्रिया रविंद्र कुमार इस अपडेट के लिए. तो प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान, प्रधानमंत्री ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भले ही उन्होंने गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर अपने बयान पर माफी मांग ली हों लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें कभी भी मन से माफ नहीं करेंगे. एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकने, जी न्यूज पर पहुंचा.